थाने में एनसीपी पार्टी की तरफ से जागतिक गद्दार दिवस मनाया गया है। इस दौरान खुद पूर्व मंत्री एवं कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र भाट मौजूद रहे। आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक साल पहले 50 खोखे की बुनियाद पर सरकार की स्थापना की गई थी और महाराष्ट्र के हर घर में गद्दार दिवस मनाया जा रहा है। वहीं आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनसीपी पदाधिकारी आनंद परांजपे को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई। इस आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री एवं कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र भाट ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। इसी दिन एक साल पहले वो महाराष्ट्र के संस्कृति में नहीं था, महाराष्ट्र का संस्कार नहीं है और उसका निषेध करते हुए साल भर में जो उन्होंने दादागिरी की, लोगों को तकलीफ दी, उसका निषेध करके हम गद्दार दिन का आयोजन किया और कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको जो है पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जा रही है, ये तो आदत हो गई हमको, हर दूसरे दिन हमको लेके जाते हैं। हम तो उनके सरकारी मेहमान है भाई, मजा आता है। सर, ये बार दिवस 21 तारीख को मनाया जाएगा, एक नया नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, किस तरह से मनाया जाएगा? आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल हम नहीं मना रहे, घर घर में गद्दार दिन मनाया जा रहा है, घर घर में गुस्सा है कि तुम लोगों ने महाराष्ट्र की संस्कृति पे एक काला डब्बा लगा दिया। महाराष्ट्र की गद्दार की संस्कृति नहीं थी, ये सब सूर्याजी पिसाल के औलाद है जिन्होंने महाराष्ट्र से गद्दारी थी। 50 खोखे का आज जलाने का मकसद क्या था कि खोखे जलाया गया? नहीं, 50 खोखे यानी ये 50 खोखे लेने वालों को जनता मिट्टी में मिला देगी, उनकी उनका वो अंतिम संस्कार कर देगी। सर, तुम्ही आंदोलन केल्यानंतर बाहेर बोलू सुद्धा आले जाता ना पण आपण अनिस्टील ना काय? आणि सर, ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र आम्ही आंदोलन केलं ना, आता बोला त्यांनी कुठे पाहिलं आम्हाला? अरे आता कोण घाबरत बिबरत नाही रे, काय करणार आहेत? सर, ते आंदोलन केल्यानंतर पुढे दाखवलं होतं, नोटीस दिली हो चालेल ना, काय काय पुढे दाखवलं होतं म्हणजे काय काय करणार काय? तिथे इथे जाऊन गिरणार तसं आम्हालाच सांगणार, साहेब जाऊ द्या विसरून जाऊ, काय करणार साहेब, चहा पाजणार कॉफी पाजणार सोडून देणार।